नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत बघेल और आप हैं इस समय हेमंत बघेल क्लासेस में। आज हमारा विषय है बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ संगीतियाँ हुई थी। संगीति जिसका अर्थ है सभा अथवा सम्मेलन, जिसमें कि अलग अलग विद्वान आएंगे और अपने राय देंगे, अपने विचार रखेंगे, मत रखेंगे। तब बौद्ध संगीति है तो बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वान आएंगे और बौद्ध धर्म संबंधित अपने विचार व्यक्त करेंगे। जो भी उस संगीति में उपस्थित होगा उनको बताएंगे क्या है कैसा है। तो बौद्ध धर्म में प्रमुख रूप से चार संगीतियाँ हुई थी। वैसे वास्तव में इनकी संख्या छह है, परंतु चार ही प्रमुख है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि ये संगीतियाँ किस समय हुई थी, उस समय शासक कौन था, उस संगीति का अध्यक्ष कौन था, उसमें क्या महत्वपूर्ण विशेष कार्य हुआ था। ये जो बौद्ध संगीति है ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अक्सर परीक्षा अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो हम देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इस समय शासक कौन था? शासक था अजात शत्रु। किस वंश का था? हर्यक वंश का। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो उसी समय ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और उस समय शासक कौन था? अजात शत्रु। वो किस वंश का था? हर्यक वंश का। अब ये कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में। राजगृह, बस आप राजगृह याद कर लीजिए, सप्तकर्णी गुफा याद न रखेंगे तो भी चलेगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने, महाकश्यप। अब इसमें क्या विशेष हुआ था? इसमें बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ है जिन्हें पीटक कहा जाता है, जिनकी संख्या तीन है इसलिए इन्हें त्रिपीटक कहा जाता है, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। तो इन तीन पीटकों में से प्रथम दो पीटकों का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। सूत पीटक और विनय पीटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में। अब इन दोनों जो पीटकों की जो संकलन करने वाले थे वो गौतम बुद्ध के दो प्रिय शिष्य अथवा प्रमुख शिष्य द्वारा किया गया था। वो शिष्य कौन कौन थे? आनंद और उपाली। आनंद द्वारा सूत पीटक का और उपाली द्वारा विनय पीटक का संकलन किया गया। तो ये था प्रथम बौद्ध संगीति। अब देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में। इस समय शासक कौन था? कालाशोक, जो कि शिशु नागवंश का था। कहां हुआ था? तो वैशाली। और इसका जो अध्यक्ष किस अध्यक्ष कौन था? तो वो था सर्वकामी। अध्यक्ष था सर्वकामी। और इसमें क्या विशेष हुआ था? इसमें जो है बौद्ध धर्म दो संघों में विभक्त हुआ था, अर्थात कह सकते कि बौद्ध धर्म का बंटवारा हो गया था, एक स्थावीर और दूसरा महासंधिक। जो स्थावीर था वो रूढ़िवादी थे और जो महासंधिक थे वे प्रगतिशीलवादी थे, मतलब कि उनके जो विचार थे थोड़े आधुनिक थे और जो स्थावीर थे वो रूढ़िवादी थे पुराने विचारों के। तो ये था द्वितीय बौद्ध संगीति। अब तृतीय बौद्ध संगीति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। सारे ईसा पूर्व वाले हैं, ईसा पूर्व 251 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें शासक कौन था? अशोक। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है, अशोक जो कि मौर्य वंश का था। कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थी उस समय, और पाटलिपुत्र अभी क्या है? वर्तमान पटना। तो वहां हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तीस। इसमें विशेष क्या हुआ था? इसमें जो है जो तीन पीटक थे, त्रिपीटक, पहले दो पीटक का तो संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ, जो अंतिम जो पीटक है अभिधम्म पीटक उसका संकलन हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति में। और इसी बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में दूत मंडल भेजा जाने लगा, मतलब कि प्रचार करने के लिए लोगों को भेजा गया। अशोक ने खुद अपनी पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था प्रचार करने के लिए, महेंद्र और संगमित्रा को। तो वैसे ही तृतीय बौद्ध संगीति के बाद विदेशों में दूत मंडल भेजा गया प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए।
अब देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था 100 ईस्वी में। इससे पहले वाले जितने भी बौद्ध संगीति हुए थे सब ईसा पूर्व वाले, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। लेकिन जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो 100 ईस्वी में अथवा प्रथम शताब्दी। इस समय शासक कौन था? कनिष्क, जो कि कुषाण वंशीय था। और इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो था वसुमित्र, वसुमित्र। अब इसमें क्या हुआ था, विशेष क्या हुआ था? तो बौद्ध धर्म दो गुटों में बंट गया, एक हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान वाले रूढ़िवादी थे और जो महायान वाले थे वो प्रगतिशीलवादी थे। तो ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित चार संगीतियां। अब मैंने बताया कि 6 संगीतियां हैं लेकिन 4 महत्वपूर्ण हैं, तो बाकी के 5 और 6 हुए थे हर्षवर्धन के समय में, जो कि वर्धन वंश का शासक था, जो 605 ईस्वी से उसका शासन शुरू होता है। तो उस समय हुआ था 5वां और 6वां बौद्ध संगीति प्रयाग और कन्नौज में, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब बौद्ध धर्म दो गुटों में बट गया, मैंने बताया, एक हीनयान एक महायान। लेकिन आगे चलकर इसमें एक और तीसरा भी उठकर सामने आया जिसे वज्रयान के नाम से जाना जाता है, वज्रयान, जो कि जादू टोना और मंत्र तंत्र में विश्वास रखते थे। तो ये थे बौद्ध संगीतियां। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।